नमस्कार दोस्तों, अलादीन का चिराग थमा, तांत्रिक ने डॉक्टर को लगाया 2.5 करोड़ का चूना, पुलिस ने ऐसे पकड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है, जहां ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां दो तांत्रिक ने अलादीन का चिराग बेचने के नाम पर लंदन रिटर्न डॉक्टर को 2.5 करोड़ का चूना लगा दिया। हालांकि डॉक्टर ने बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए दो तांत्रिकों के खिलाफ ब्रह्मापुरी थाने में FIR दर्ज करवा दी। डॉक्टर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के खैरन नगर निवासी डॉक्टर लई खान फिजिशियन है। लई खान ने अपनी पढ़ाई लंदन से की है। साल 2018 में बागपत रोड निवासी समीना नाम की महिला अपने ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लई के संपर्क में आई थी। डॉक्टर लई का कहना है कि इसके बाद वो अक्सर महिला की मरहम पट्टी करने के लिए उसके घर जाने लगे। डॉक्टर लई का कहना है कि महिला के घर पर आने वाले इस्लामुद्दीन नाम के एक तांत्रिक से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर लई का आरोप है कि तांत्रिक इस्लामुद्दीन और उसके साथियों ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद उन्हें अलादीन का चिराग देने का वादा करके कई किस्तों में उनसे करोड़ों की वसूली कर ली। आरोपियों का यह खेल 2 साल तक जारी रहा, मगर जब आरोपियों का भेद खुला तो डॉक्टर लईक ने SSP से मामले की शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक इस्लामुद्दीन और उसके साथी अनीस को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आप किस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि दोस्तों, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर होने के बाद भी ऐसी झूठी अफवाहों के चक्कर में पड़कर इतने पैसे बर्बाद करना क्या ये मुनासिब है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।